भाजपा प्रत्याशी बलदेव सिंह ओलख हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, जो है बिलासपुर विधानसभा 36 से विजयी हुए हैं, और अमरजीत जो समाजवादी पार्टी से थे वो हारे हैं। जीत का किस तरीके का जश्न मनना मैंने यहाँ देखा, काफ़ी आतिशबाजी और आपका जो है काफ़ी उत्साहवर्धन किया गया। देखिए ये कार्यकर्ताओं का जोश है, कार्यकर्ता चाहते थे कि दोबारा से फिर हमारा उम्मीदवार जीते और जो हमारे बिलासपुर का विकास किया उसको और 4 गुना विकास करके करें, क्योंकि वो टच कर चुके थे कि हमने पिछले 5 साल में कितना विकास किया है और अगले 5 साल में 3 साल मिले कोरोना की वजह से और अगले 5 साल मिलेंगे योगी के नेतृत्व में, कोई काम बचेगा नहीं जो बिलासपुर विधानसभा में हो। काउंटिंग के दौरान आप लोगों की बड़ी धड़कन है जो बड़ी फास्ट तरीके से चल रही थी, क्या लग रहा था, क्योंकि अंतर जो जीत का है वो मार्जिन ज़्यादा रहा नहीं था। आपको पता है कि हमारे बिलासपुर में विधानसभा में 125,000-130,000 मुस्लिम है और कांग्रेस के प्रत्याशी, बीएसपी का प्रत्याशी और आपका प्रत्याशी सारे मिलके चुनाव हमसे लड़ रहे थे और वो समाजवादी की काउंटिंग करा रहे थे। ये थे हालात इनके, योगी जी को रोकना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते थे, मगर जनता जनार्दन बहुत बड़ी है क्योंकि उनके धरातल में उनके बच्चों के तरक्की के लिए माननीय योगी जी ने काम किए हैं, उनको राशन दिया है, उनको रोजगार दिया है, उनको ईमानदारी से नौकरियां दी हैं, वो लोगों ने बुलडोजर बड़ा इस चुनाव में जो है महत्वपूर्ण रहा है, बुलडोजर के नारे भी लगे हैं, बुलडोजर को बुलडोजर से लेकर चुनाव भी हुआ है, तो क्या असर हुआ है बुलडोजर का आपके चुनाव में? देखिए बुलडोजर का असर उन लोगों पर हुआ है जिन्होंने बुलडोजर को देखा है कि बुलडोजर चलता कहाँ है। बुलडोजर वहाँ चलता है जहाँ पर डकैती का लूट हो, जिन लोगों ने समाजवादी के लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी घर भर रखे हैं, वो बुलडोजर उसके लिए है। और जनता चाहती है कि जो लूट खसूट का माल है और जो महल बनाए हुए हैं उनको बुलडोजर चलना चाहिए। अखिलेश यादव के जो हौसले थे वो कितने बुलंद, आप देखे थे, आपने वीडियो उनके बयान देखे थे, अब कितने पस्त हुए हैं? देखिए उनको कोई बहाना नहीं मिला, जैसे ही आपका एग्जिट पोल आया था तो उनके हाथ पैर फूल गए थे कि जनता का मूड क्या था। जनता का मूड द्वारा योगी जी का नेतृत्व लाना था, वो भाप गए। आपने देखा कभी भी उन्होंने अपने भाषण में कोई विकास की बात नहीं कही, कोई प्रदेश को उत्तम प्रदेश या उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए कोई बात नहीं करी, जातिवाद के नारे देते हैं। तो इससे प्रदेश चलने वाला नहीं है, प्रदेश चलेगा कानून से, प्रदेश चलेगा प्रशासन से, कर रहे प्रशासन से जो चलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी। आखिरी सवाल है मेरा, ये चुनाव धर्म का था या राजनीतिक था? ये चुनाव विकास का चुनाव था, विकास के एजेंडे पे लड़ा गया है और विकास ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल किया है और विकास को धरातल पे केंद्र की योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पे जमीन पे उतारी है, ये वो चुनाव है। आपने जीत के लिए क्या आप बधाई देंगे, अपील? देखिए मैं अपनी जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को, जो देवतुल्य मेरे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और मेहनत करके मुझे जुटाया है, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ अपने नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास कराकर दोबारा मुझे चुनाव के मैदान में उतारा और जनता ने मुझे अपना प्यार देकर मुझे यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बलदेव जी, आपने जो है बलदेव सिंह ओलख हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद थे, विजयी हुए हैं बिलासपुर विधानसभा 36 से, और इन्होंने जो बात कही है वो कही है विकास के, अलग है विकास का ही चुनाव नहीं लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, धर्म को लेकर जो है काफ़ी वोटिंग हुई है, धर्म को लेकर जो है सियासत हुई, तो कुल मिला के जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है, 274 सीटें जो है फिलहाल बताई जा रही हैं और बलदेव सिंह ओलख हालांकि कम मार्जिन से यहाँ जीते हैं मगर विजयी हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।